to my channel, subscribe and press the bell icon for more videos. कई बार पूछा, वो कार जो आर्मी के कॉन्वॉय में आ ही नहीं सकती थी किसी भी तरह से, वो कार कैसे आ गई? हमने कई बार पूछा, पर मोदी जी ने ना अमित शाह जी ने कोई जवाब ना राजनाथ जी ना राजनाथ जी ने। अब ये सामने आया है कि यही देविंदर सिंह उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में था। तो क्या देविंदर सिंह एक मोहरा है या देविंदर सिंह ही षड्यंत्र का सूत्रधार है? इस सारे मामले की जांच होने की, गंभीर जांच होने की, गहन जांच होने की आवश्यकता है। और क्या देविंदर सिंह के तार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में या जम्मू कश्मीर के बाहर दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन में किसी व्यक्ति या समूह से जुड़े हुए तो नहीं जो भारत के खिलाफ सत्ता में बैठकर षड्यंत्र कर रहे हैं? इसलिए हम मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री स्वयं, प्रधानमंत्री स्वयं इस पूरे मामले की गहन जांच कर वक्तव्य दें। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज एक स्टेटमेंट दिया है जो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र सिंह मात्र एक मोहरा है, ही इज जस्ट अ पॉन। हु आर द रियल कॉन्स्पिरेटर्स, द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड से। ये बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट है। किसकी पुलिस है? आप तो हर दिन कहते हैं दिल्ली में ये पुलिस तो अमित शाह की है, ये पुलिस तो बीजेपी की पुलिस है। किस पुलिस ने गिरफ्तार किया देवेंद्र सिंह को? उसके बाद इस प्रकार का सवाल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे उठाना, इस प्रकार का सवाल हिंदुस्तान के गृह मंत्री पर उठाना, एट हूज बिहेस्ट मिस्टर सुरजेवाला, मिस्टर राहुल गांधी एंड मिसेस सोनिया गांधी आर डूइंग दिस? किसके बिहेस्ट पे आप ये कर रहे हैं? मैं आज खुलेआम कहना चाहता हूं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है, वरना बार बार वही जुबान। अब मैं आपको देखिए, अभी तो एक बजा है, आप देखिएगा शाम के 6 बजे तक हाफिज सईद और इमरान खान दोनों का ट्वीट आ जाएगा समर्थन में। हेडलाइंस चलने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के टीवी में, पाकिस्तान की मीडिया ने इस विषय को उठा लिया है। और मैं आपको बिल्कुल कहता हूं, आप इंतजार करिए, देयर वुड बी ए टाइम अगेन बाय 6 PM टुडे व्हेन हाफिज सईद विल से आई लव यू कांग्रेस, बिकॉज इससे पहले भी हाफिज सईद ने कहा था कि मैं कांग्रेस से बहुत प्यार करता हूं। शाम तक पुनः वह अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा कांग्रेस के साथ हाफिज सईद, और इमरान खान तुरंत एक डॉसियर बनाएंगे, और राहुल गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी के इन्हीं वक्तव्यों के साथ वो UN भागेंगे। बीजेपी ने आज ये भी पूछा कि आखिर जो हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं उन्हें क्यों ना देशद्रोही कहा जाए। रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, खंजर भोंकते हैं हिंदुस्तान के पीठ पर, रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, खंजर भोंकते हैं हिंदुस्तान के पीठ पर, फिर कहते हैं हमें देशद्रोही ना कहो, फिर कहते हैं हमें देशद्रोही ना कहो, तुम पे छोड़ते हैं हम, तुम पे छोड़ते हैं हम, बताओ इनको क्या कहें, बताओ इनको क्या कहें। जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, जी चाहता है उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, एक डेमोक्रेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज करने का मन कर रहा है। रोज पाकिस्तान के पीठ को आप सहलाते हैं, पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, रोज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस फोर्सेस, हिंदुस्तान के जवान, उनके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार, उनके ऊपर आप आघात करते हैं, उनके ऊपर आप आक्रमण करते हैं। और बहस शुरू करें उससे पहले बस एक ट्वीट और देख लीजिए, इसको लेकर बहुत घमासान छिड़ा आज। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि अगर ये देविंदर सिंह की जगह देविंदर खान होता तो RSS ने बवाल मचा दिया होता, और इसके बाद वो सफाई देने भी आए। आई हैड रेफर्ड दैट हैड देविंदर सिंह बाय डिफॉल्ट बीन नेम्ड देविंदर खान, सर्टेनली the troll regiment led by RSS would have been more strident and vociferous. The reason is that the RSS and the BJP, they have been striving hard
to disrupt the communal harmony of our nation. चलिए सबकी बातें आपने सुन ली, चलते हैं मेहमानों के पास क्योंकि सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाया और उसके बाद आरोप भी उन्हीं पर लगे। तो हम सलमान निजामी से आज की, अगर कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि देवेंद्र सिंह मोहरा था या सूत्रधार था पुलवामा षड्यंत्र का, अगर अधीर रंजन चौधरी ये कहेंगे कि सवाल उठेंगे अब पुलवामा का असल गुनहगार कौन था, तो आप पाकिस्तान को बख्श रहे हैं, आप पाकिस्तान को क्लीन शीट दे रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान ने वो आतंकी हमला ना कराया हो। देखिए, अगर आपको याद होगा एक एफिडेविट में जो आतंकवादी अफजल गोरू था उसने सबसे पहले देवेंद्र सिंह का मेंशन किया था एफिडेविट में, उसको आपने साइडलाइन किया। आप यहां किसी भी आदमी को कोई भी सबूत के बिना आप उसको कहते हैं ये जी आतंकवाद के साथ है या आतंकवादियों का समर्थक है, लेकिन जब एक आतंकवादी ने खुद एक एफिडेविट में कहा कि देवेंद्र सिंह ने ही मुझे फोर्स किया था, गाड़ी दिल्ली पहुंचाओ और हमें मदद करो, और आपने उसको इग्नोर कर दिया। फिर ऑन रिकॉर्ड ये है कि जब पुलवामा अटैक हुआ हमें उस पर शक नहीं है, लेकिन शक तब आता है कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर इतना है कि आप अपने आदमी को पहचान नहीं सके। डीएसपी जो होता है वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, वो एक केएस ऑफिसर होता है, एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है पुलिस का, और आर्मीड फोर्स को वो पूरा मॉनिटर करता है, जो आर्मीड फोर्स आतंकवाद का मुकाबला करती है। अब जो आर्मीड फोर्स का जो आदमी है, जो हेड है उसका, जब वही उस वहां पोस्टेड है पुलवामा में, तो क्या उसने उस वक्त आतंकवादियों का साथ नहीं दिया होगा? आज आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब बोल रही है कि वो उस वक्त ऑपरेशन में नहीं था, लेकिन पुलवामा में आर्मीड फोर्स का तो हेड था ना वो। आर्मीड फोर्स क्या होती है? जो आतंकवादियों का फोर फ्रंट पे सामना करती है। आर्मी तो बाद में बुलाई जाती है, पहले तो लोकल पुलिस सामने जाती है। तो आपको इतनी देर मालूम नहीं पड़ा और आपने उसको गैलेंट्री अवार्ड भी दे दिया। जब आपको एक आदमी पे शक था, एक आतंकवादी अफजल गोरू ने खुद कहा कि इस आदमी ने मुझे फोर्स किया कि तू दिल्ली आ जा और तुझे मैं पैसे दूंगा, और फिर आज उसने एडमिट भी किया। सलमान देखिए, आज वो एडमिट भी करता है कि 12 लाख रुपया मैंने लिया। देवेंद्र सिंह का हाथ पुलवामा हमले में था या नहीं था, वो उसमें कहीं किसी हद तक जुड़ा था नहीं था, इसकी जांच तो आप जरूर होनी चाहिए क्योंकि उस वक्त पुलवामा में था। और ये सवाल आप पूछिए, आपकी जिम्मेदारी है। साहब, इसकी जांच होनी चाहिए, वो किन किन आतंकवादी हमलों में सवाल पूछने की बारी आएगी तो मैं इनसे पूछूंगा। जब पुलिस का आदमी उनके साथ मिला हो तो किस पे आप यकीन कर सकते? नहीं नहीं, हम तो मान रहे हैं इस बात को कि पूरी गहनता से जांच हो कि इस देवेंद्र सिंह का पुलवामा हमले में कोई हाथ था या नहीं था। लेकिन आपकी पार्टी जब ये पूछती है कि अब हमें दोबारा विचार करना पड़ेगा कि असल गुनहगार कौन था। मेरा बार बार उसी पर सवाल है। असल गुनहगार को पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान मानता है, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उस हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को मानती है। आपकी पार्टी मानती है या नहीं मानती उस पे? बिल्कुल, देखिए उन्होंने भी गलत नहीं कहा। आज देवेंद्र सिंह का एक आतंकवादी, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसको बनाया गया, जो था उसको फांसी भी हो गई, उसने भी एडमिट किया कि देवेंद्र, क्या मालूम और भी इसके साथी हो जम्मू कश्मीर पुलिस में, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। आप 10 साल के बाद कोई और आदमी आ जाएगा जिसको आप अरेस्ट करेंगे, जो आतंकवादी हमले करवाएगा, फिर 10 साल के बाद आप बोलेंगे कांग्रेस पार्टी को शक है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान ने कराया था। हम तो चाहते हैं इसकी कार्रवाई हो, पुलवामा हवला में। क्या कांग्रेस पार्टी को शक है कि पुलवामा पाकिस्तान ने कराया? क्या इसमें कोई शक है? पुलवामा तो पाकिस्तान, आतंकवादी तो थे ना पाकिस्तान के, थे या कोई थे आतंकवादी ने करवाया, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित थे या नहीं थे कि उसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की? पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी थे या नहीं थे? वो तो थे, हम तो मानते हैं आतंकवादी हमला तो था। क्यों अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हम लेकिन जब अपने लोग उनके साथ मिले हो, जम्मू कश्मीर की पुलिस का जो डीएसपी है उनके साथ मिला था, वहां पोस्टेड था। ये कह रहे हैं कि हमें यकीन है पाकिस्तान ने भी कराया, लेकिन देवेंद्र सिंह की जांच होनी चाहिए। लेकिन इनकी पार्टी के जो बाकी स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर है, उन्होंने साफ साफ ये सवाल उठाया है अमित, कि क्या ये सूत्रधार था या सिर्फ एक मोहरा था।